देखिए, अगर आप एटीएम से 500 रुपए निकालने गए और आपको 500 की जगह 2500 रुपए एटीएम से मिल गए और आपके रुपए भी 500 ही कटे हैं, तो ऐसे में घाटा किसका होगा, आपका या बैंक का? आपकी नॉलेज ही बढ़ाएंगे, इसीलिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके जल्दी से 6000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। जब भी ऐसी समस्या आती है तो बैंक वालों के पास सभी लोगों का रिकॉर्ड रहता है कि इन्होंने कितने पैसे निकाले हैं, इससे वह रिकॉर्ड के हिसाब से जो एक्स्ट्रा पैसा एटीएम से निकला है उसे उनकी बैंक के खाते में से निकाल लेती है।